नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने डेली राशिफल में। बात हम करेंगे 6 अगस्त 2018 कैसा रहेगा आप सभी का राशिफल। शुरुआत मेष राशि से करूंगा और मीन तक जाऊंगा, और जितने भी राशिफल आप देखेंगे वो चंद्र राशि पर आधारित होगा, बहुत सामान्य आधार पर आधारित होगा। अगर आपको अपनी कुंडली का विवेचन हमसे करवाना है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका कॉन्टैक्ट कैसे करना है वो आपको वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस तरह हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों शुरुआत में करूंगा मेष राशि से कि मेष राशि वालों कैसा रहेगा आपका 6 अगस्त का दिन। कुछ बदलाव के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं और काफी विश्वास आपका दिखाई दे रहा है आपकी वाणी में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी बदलाव करने की कोई जरूरत अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा और प्लानिंग कर लें तो बेहतर आप जिंदगी को बिता पाएंगे। कुछ नई जो परियोजनाएं आपकी हैं, जो योजनाएं आपकी हैं, वो उसको थोड़ा सा और अभी और पॉलिश कर लें तो बेहतर आपको रहेगा। कोई जल्दबाजी में निर्णय ना करें। और दिन जो है काफी पॉजिटिव मैं कहूंगा ट्रेंड आपके दिखा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आप काफी अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म करते हुए कल दिखाई देंगे। खाने पीने को लेकर कल थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खाना जितना हो सके घर का खाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाहर का खाना कल आपको परेशान कर सकता है। अपने को हल्का और ताजा खाना खाएं आप तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों की जहां तक बात करूं तो कल अपने सोशल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा बिजी रहते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं जो के कॉलेज का जो समय है और आपके जो ऑफिस का समय है उसमें कुछ इस तरह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं कल कि आप चाहकर भी अपने प्रेम संबंधों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए प्रेम संबंधों के लिए दिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उठक पटक वाला रह सकता है, लेकिन शाम आते आते तक स्थितियाँ पक्ष में आएंगी और कोई ऐसी आपको युति मिलेगी कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी होती भी है तो आप उसको बहुत आसानी से पार कर पाएंगे। करियर के बारे में बात करूं तो कुछ नई शुरुआत, नई कुछ अपग्रेड करने की स्टार्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ नई तरीके से अपना रुख बदलते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, और बस ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव आपको लग रही हैं वो उतनी लुक्रेटिव कल होंगी नहीं, इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत कल रहेगी। वृषभ राशि वालों के बारे में बात करते हैं तो पैसे से रिलेटेड कोई जोखिम आपको नहीं उठाना है। हालांकि भाग्य आपको अच्छा साथ दे रहा है आपके कैरियर में, और स्थितियां को बिल्कुल भी बिगड़ने आपको कल नहीं देना है। कई बार जहां आपको बोलना चाहिए था आप वहां नहीं बोले हो, और इस वजह से जो आपकी जो चुप्पी है, आपकी जो खामोशी है, उसका लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं। तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कल कि अगर कोई राय आपकी गलत बन रही है तो आप उस राय को चेंज करने का प्रयास कल करें तो बेहतर आपको जो है रहेगा, मैं इस बात को आपको कहना चाहता हूँ। हालांकि कल आलस्य काफ़ी आपके ऊपर रहेगा, और मौसम भी कुछ इस तरह सा है कि नींद काफ़ी आएगी आपको, खासतौर से टांगों में आपके दर्द कल होने की संभावनाएँ दिखेंगी, और जो पिछले दिनों की थकान है वो कल आपकी निकलते हुए दिखाई देगी। आपको चाहिए कि आप व्यायाम करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, बेहतर रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा काम है तो थोड़ा सा रिलैक्स लेके छुट्टी ले लें और अपना करें। अगर मैं प्यार की बात करूं और घरेलू जीवन के बारे में बात करूं तो प्रेम संबंध आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए गिफ्ट आप उनको दे सकते हैं और आपको प्राप्त भी हो सकते हैं। और अगर आपका कल बर्थडे है वृषभ राशि वालों तो फिर आपका दिन काफ़ी बढ़िया होने वाला है। आप दिखावे की प्रशंसा बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, और जो चीज़ें आपके बक्स में नहीं होती हैं आप उन्हें वापस भी कर देते हो। आपका रिश्ता अपने साथी के साथ अच्छा होगा। अगर आप मैं बात करूं आपके ऑफिस की और आपकी पढ़ाई की तो एक स्वतंत्र सोच के साथ कल जाते हुए दिखाई दोगे, और कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी जिसमें आपको आपके कुलीग्स का भी साथ प्राप्त होगा। दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं दिखाई दे रही हैं। बस
अपने आप को फोकस करके चलने की जरूरत आपको रहेगी। मिथुन राशि वालों, भावात्मक रूप से दिन थोड़ा सा रहेगा आपका और इसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ लोग उठाते हुए दिखाई देंगे। कार्यस्थल पर थोड़े से आपको ज़्यादा काम कल करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ज़्यादा मिलेंगी और आपको चाहिए कि शेड्यूलिंग करके आप काम करें, थोड़ा सा काम करें थोड़े को, और इस तरह से काम करें कि काम जो है वो आपका समय पर पूरा होता जाए। छोटे छोटे गोल आपको बनाने की ज़रूरत है अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी, हालांकि किसी डिनर इत्यादि पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ रहने वाले हैं, सर में दर्द होना, स्ट्रेस होना, गैस की प्रॉब्लम होना, गैस सर में चढ़ जाना, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कई मौके कल ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आप खाने पीने के ऊपर आकर्षित होंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान वहाँ पर रखना है, नहीं तो पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अच्छा संबंध बनाने के लिए ज़रूरी ये रहता है, अगर आप बिजनेस के लिए बात करें या लव रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में जाना होगा कल, और अहंकार की भावना को आपको छोड़ना होगा। कहीं ना कहीं कुछ अहंकारी चीज़ों से पारिवारिक जीवन आपका असरदार हो रहा है, असरदार मतलब मेरा कहने की असर हो रहा है उस पर, और इसलिए आपको छोटी छोटी विवादों से बचकर रहना है और इस तरह से आपको काम करना है कि मतलब कि जो परेशानियां आपकी चल रही हैं उनको आप मिल बांट के आसानी के साथ कर पाएं। कैरियर के बारे में शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा दिन भाग दौड़ वाला रहेगा, लेकिन आपके ज़रूरी है कि आप अपना काम को करते रहें, कागजी कार्रवाई खासतौर से आप पूरी करें जिससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है आपको कि आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि मन लगाकर ही काम करें तो बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कर्क राशि वालों, आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको याद दिलाऊं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सारे जो वीडियोस हैं उसको आप देख पाएं, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। अगर आप एक नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाह रहे हैं और साझेदारी के बारे में सोच रहे हैं तो दिन आपके लिए उत्तम है। रोमांस में रोमांच रहेगा और आपको ये देखना होगा कि ये जो साझेदारियाँ आप करने जा रहे हैं बिजनेस में ये कितना ज़्यादा श्रेष्ठकर होंगे। डीप नॉलेज जिसे बोलते हैं वो लेने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। हालांकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपके घर की भी मिलेगी और आप अपने तरीके से उसे चेक भी कर पाएंगे, तो कुल मिलाकर दिन उस हिसाब से ठीक है। आपको भोजन वो करना है कल जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए और उसमें जो है सुधार करें। आपको एलर्जी जैसी कल प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ ऐसे पौधों से आपको बचना है जिससे आपको एलर्जी होती है। सेहत का ध्यान रखें, थोड़ी सेहत मध्यम दिखा रहा है कल। कर्क राशि वालों, प्यार के बारे में बात कर लेता हूँ तो प्यार भरा रहेगा दिन। पार्टनर के साथ कोई विशेष योजना बनाकर उनको सरप्राइज दे सकते हैं आप। अगर किसी संबंध में है तो ये अच्छा समय है और आपको अपने संबंध की शुरुआती जो मैजिक था, जो स्टार्ट जब आपकी हुई थी, वो आपको वापस लानी होगी। और किसी बर्थडे इत्यादि में आप जा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो काम आपके कैरियर के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई कार्य आपके बहुत दिनों से लंबित पड़े थे तो आपको चाहिए कि आप उन्हें पूरा करें, और अगर कोई दबाव चल रहे थे आपके तो ये दबाव ख़त्म करने का समय है, और अपने कामों में थोड़ी सी क्विक अप्रोच को शामिल कीजिए क्योंकि आराम से चलने में कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो रही है। और अपने आप को कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कीजिए क्योंकि कॉम्पिटिशन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलना ही मिलना है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। दिन कुल मिलाकर ठीक ठाक है। सिंह राशि वालों, मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, पहचान मिलेगी, इज्जत मिलेगी और कहीं ना कहीं वित्तीय स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, बात चल सकती है, सकारात्मक दिन आपका रहेगा। दिन की शुरुआत में कई दिनों से जो आप योग या एक्सरसाइज अगर करते हैं तो उसका स्पष्ट असर आपको दिखाई देगा। दिन के आखिरी तक आप अपने आप को काफ़ी मजबूत मानसिक रूप से भी कर पाएंगे। दवाइयाँ ज़्यादा ना खाएं क्योंकि कहीं ना कहीं
वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है। दिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के नाम भी रह सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोपहर के समय में जो आपके मन में कुछ नए कपड़ों को लेकर आएंगी, आप नया कुछ खरीदना चाहेंगे, कुछ नया नए तरीके की ट्रेंडिंग ड्रेस खरीद सकते हैं आप, और आप चाहते हैं कि आपकी जो सोच है उसके अंदर कोई दखल अंदाजी ज़्यादा ना करे। कैरियर और धन के बारे में बात कर लेते हैं, तो दिन बहुत अच्छा है और आपको बस आक्रामक नहीं होना है, मतलब आपको ऑफेंसिव नहीं होना है, डिफेंसिव रहना है, और समय किसी को समझाने में ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। आपको धैर्य की आवश्यकता है, जितना धैर्य आप रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। किसी के फटे में ज़्यादा टांग ना अड़ाएं, अपने काम से काम रखें। दिन आपके लिए सुधरता हुआ दिखाई देगा, कुल मिलाकर दिन आपके लिए ठीक है। कन्या राशि वालों, पैसे को संभाल कर चलो। सितारों के अनुसार आज काफ़ी खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी रकम आप खर्च करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान तो रखना ही है। आप कल आज कहीं बाहर जाते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। जो लोग आपकी बुराई करते हैं या आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, उन सबको समझाने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। आप अपने आप को मूव ऑन वाली स्थिति में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। समय के साथ आपको पता चलेगा कौन आपके साथ है और कौन आपके विरुद्ध है। कुछ लोग जो आपके साथ आप बहुत मीठी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वही आपकी छवि को पीछे आपके खराब करते हैं। तो आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें कोई जवाब आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते हुए चलना है। प्यार के मामलों में दिन मध्यम कहूँगा। कुछ ऐसे लोग हैं जीवन में जो दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो कुछ ऐसा कर नहीं पाएंगे। आपको चाहिए कि आत्मसम्मान की रक्षा करें, उनके भी और अपने भी, और किसी के चढ़ावे में ना आए। कन्या राशि वालों, अनुसार जो कार्य आपने सोचे हैं उनके अनुसार एग्जीक्यूशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको कल होगी, खासतौर से ऑफिस में। और हालांकि कोई काम अगर बार बार करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार पूरा रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद उसे अच्छे से करें तो आप कर पाएंगे। तो अगर मैं आपके ऑफिस की स्थिति को देखूं तो उस स्थिति में दिन थोड़ा सा मध्यम है, बाकी दिन ठीक ठाक है। अब तुला राशि की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं आपको कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। कुछ उलझे उलझे दिखाई दे रहे हो तुला राशि वालों, और कुछ पारिवारिक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप विश्वास और आशा से भरपूर रहते हो, और कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल फ्रंट पे कल इमोशनल होते हुए दिखाई दोगे। किसी घर के व्यक्ति को लेकर चिंता कर सकते हो, हालांकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप ना पा पाओ, और जिसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे थे, कोई चीज लेने का इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। जिन चीज़ों को आप मानते थे कि ये बेकार की चीज़ें हैं, कल आपको उन्हीं से लाभ होगा, और दोस्तों के साथ कल मुलाकात हो सकती है, उनके साथ कुछ सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करूं तो बड़ी इंट्यूटिव चल रही है आपकी लव लाइफ। जिसके साथ भी आप संबंध में हैं उसके साथ आगे कैसे किया जाए इसके बारे में कुछ प्लानिंग चल रही है, उसमें कुछ वैचारिक मतभेद भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे बड़े मतभेद नहीं है। आगे चल के प्यार और प्रतिभा दोनों एक साथ अच्छे तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे और खुली सोच के तरह से काम करेंगे। दिन कैरियर के मामले में ऐसा है कि सफलता पूर्वक आप सभी हर्डल्स को पार करेंगे, और भाग्य पर जो भी आप निर्भर करेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर किसी तरीके का किसी से व्यर्थ में अगर आप मनमुटाव करते हैं तो दिक्कत फिर आपको होगी। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का मन मुटाव किसी से ना करें, किसी से कोई कटुता ना रखें। वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं, तो कुछ उथल पुथल के दायरे में हैं, खासतौर से लव रिलेशनशिप्स के बारे में, और किसी भी तरह के रिजल्ट्स में एकदम ना पहुंचें, सोचें समझें और कुछ इस तरह की बातें करें जिससे आप फोकस अपना ना खो पाए। आपके लिए अच्छा यही होगा कि
अच्छे समय के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लें और कोई भी निर्णय बहुत ज़्यादा एकदम से ना लें। आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, होपफुल भी हैं और कहीं ना कहीं अपने इस माइंडसेट से, क्योंकि सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, इससे आप माइंडसेट से अगर आप चलते हैं तो आपके लिए दिन काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, कल थोड़ी सी आलस्य की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, सोने का मन काफ़ी कर रहा है, आजकल वृश्चिक राशि वालों को नींद भी काफ़ी आ रही है। प्रेम संबंध थोड़े से अच्छे हैं और दीवानगी की तरफ हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का ये रहता है कि वो जब प्यार करते हैं तो बहुत डूब के प्यार करते हैं और एक बहुत विश्वास पात्र लोग होते हैं। अपने साथी के साथ कुछ पिक्चर वक्चर देखने का आने वाले दिनों में आप बना सकते हैं प्रोग्राम, और ये चीज़ उनके साथ बताने का जो पल होगा उसके बारे में सोच सोच के एक्साइट भी हो सकते हैं। प्यार के मामले में दिन काफ़ी अच्छा है। कैरियर के बारे में थोड़ी सी बात करूँ अगर, तो संतुलन बनाना आपके लिए मुख्य ऑब्जेक्ट है इस दिन का, और आपको खर्चा और इनकम में संतुलन करने की कोशिश काफ़ी करनी पड़ेगी, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका एक तो हिसाब रखें अपने पास, और ज़्यादा आलतू फालतू खर्चों के अंदर अपना डिवोशन ना दिखाएं, दिन ठीक है। धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं, तो दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छा समय आप बिताते हुए दिखाई देंगे, कोई पार्टी या शाम को मस्ती में आप गुजारते हुए दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे नए कुछ मित्रों से मुलाकात कल हो सकती है जिससे आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों का साथ कल प्राप्त होगा और अगर आप पहले से उन्हें जानते थे तो और करीबियां बनती हुई दिखाई देंगी। एडजस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और आई एम नॉट सेइंग कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए अपनी लाइफ लाइफ में। ज़्यादा उग्र होने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, और अपने दिल को साफ रखिए, सुथरा रखिए। कोई बात अगर दिल में घर कर गई है उसे शेयर कीजिए, उसको दिल में मत रखिए, इससे आपका संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अगर बदलाव की स्थिति चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि समय तो ठीक है, आप कुछ चांसेस ले सकते हैं, लेकिन अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है और वो स्टेबिलिटी नहीं आई है जिससे आप बहुत ज़्यादा संतोषी अपने आप को पाएं। तो मैं कहूँगा कि कुछ दिन वेट कर लें और उसके बाद ही किसी तरह के निष्कर्ष पे आप पहुँचें। मकर राशि वालों के लिए बात करूँगा तो दिन थोड़ा सा मिक्स बैग की फीलिंग लेके आएगा। कल कुछ इमोशनल फ्रंट ज़्यादा रहेगा और अपोजिट सेक्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। वहीं एक एक रोज का जो रूटीन वर्क है उससे थोड़ा सा बोरियत आप दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, और क्योंकि पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके होते हुए दिखाई कल दे रहे हैं। रोमांस की बात करूं अगर, तो रोमांटिक तो हैं आप, और ये भी संभावना है कि एक ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार करेंगे जो सामान्य तौर पर आप नहीं करते हो। इससे कहीं ना कहीं काफ़ी लोग अचरज में भी आएंगे कि भाई इसको क्या हुआ आज, लेकिन अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहेंगे और उनको खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ शाम के समय में कुछ अच्छे कैंडल नाइट डिनर पर आप जा सकते हैं। व्यवहार को व्यवस्थित करके चलें कारोबार में, और इससे आपको लाभ होगा, रिश्ते आपके कारोबारियों से सुधरेंगे। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो अपने सीनियर्स के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करें, काफ़ी अच्छा आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों, कुछ उलझे बिखरे हुए थॉट्स आपके हैं और बहुत सारी बातें आप एक साथ सोच रहे हैं जिससे आप एक भी काम को कल पूरा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो दिन बहुत ज़्यादा मध्यम है, एवरेज है। ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें, तभी आप कर पाएंगे। थोड़ा वन 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 बाई वन स्टेप बाई स्टेप करें काम तो बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन मध्यम है और मैं चाहूँगा कि आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप एक अच्छे डॉक्टर की जांच कराएं और स्थितियों को अपने काबू में करने की कोशिश करें। आपको कई मौके मिलेंगे कल जब आप अपने मन की बात कह पाएंगे, लेकिन आपको चाहिए कि कुछ मुंह से ऐसा ना निकालें जिससे सामने वाले की स्थिति आपकी और खराब हो जाए।
क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है कल ज़रूरी है करना चीज़ों का, लेकिन एग्रेसिव होके नहीं, थोड़ा सा डिफेंसिव, थोड़ा सा विनम्र होके, थोड़ा पोलाइट होके। कैरियर के बारे में बात करूं तो प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। आलस अगर किया तो गलती कर सकते हो। और मैंने जैसे कहा कि जो कल का मंत्रा है आपका वो यही है कि आप फोकस को अपने बनाए रखें, किसी भी तरह के फोकस को खोने से आपको कल दिक्कत हो सकती है। बात करेंगे मीन राशि, जो हमारी आखिरी राशि है। काफ़ी अच्छा दिन है, अंडरस्टैंडिंग का दिन रहेगा। किसी समझौते पर अगर आपको साइन करने थे तो वहाँ पर भी आप कर पाएंगे, और जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी उसका तुरंत समाधान निकालने में आप तत्पर रहेंगे। खूबसूरत रहेगा दिन, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हालांकि सेहत अभी दोस्त उतनी साथ आपकी नहीं दे रही है, आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलें डाइट में, शरीर को रिलैक्स और फोकस करने का, आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लक्ष्यों पे आप तभी फोकस कर पाएंगे जब आपका तन आपका साथ देगा। रोमांस के दिन भी थोड़े से बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप मनोरंजन की तरफ जाना चाहते हैं, वहीं आपका पार्टनर थोड़ा रिलैक्स मोड में दिखाई दे रहा है। हालांकि शाम तक होते होते चीज़ें आपके हक में आएंगी और आप एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, और अगर किसी से कम्युनिकेशन गैप चल रही थी तो हो सकता है कि अगर आप कल पहल करें तो वो कम्युनिकेशन गैप आपकी मिट सकती है। हालांकि पैसे के मामले में दिन काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है, वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग आपके मन में आएगी कि मैं जिस तरह से करना चाह रहा हूँ उस तरह से हो नहीं रहा, तो आपको ये वैसे त्याग देना चाहिए, आपको ये डिलीट कर देनी चाहिए ये चीज़। आपका जो समर्थन है वो आपको परिवार से भी मिल रहा है, जीवन साथी से भी मिल रहा है, और सहयोगी वो भी आपके सहयोग करते हुए दिखा रहे हैं, तो भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये कि डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस मैंने आपको करके बताया, जो बहुत सामान्य आधार पर था। अगर आप उसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो 9481848508996238253 पर हमें बात हमसे कर सकते हैं। पर्सनल एनालिसिस आरपीएड, उसकी निश्चित फीस आपको देनी होगी। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, कल मुलाकात होगी आपसे। और जो न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री की वीडियोस डालता हूँ, प्लीज़ उसको देखा करिए, वो आप लोगों को सिखाने के लिए ही मैं डालता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।